नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही काम की चीज़ बताऊंगा। दोस्तों, पैन कार्ड बनवाना बहुत ही आसान हो गया है अब। इसके लिए आपको अब कभी कहीं भी नहीं जाना होगा, ना आपको कहीं लाइन लगानी होगी, ना आपको खड़े रहना होगा, क्योंकि इसे आप अब अपने घर पर बैठकर मोबाइल से बना सकते हैं। और ये पैन कार्ड का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का है, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। अब बात ये आती है कि पैन कार्ड को बनाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। अब इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका आधार कार्ड चाहिए। बस बात ये होनी चाहिए कि आपका आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बता देता हूँ कि हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें इसके लिए क्या करना होगा। तो अब गूगल, जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने ओपन हो रखा है। तो अब हम इस पर ई फाइलिंग की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे। ये चले गए हम, और ये इनकम टैक्स की फ़ाइल ओपन हो गई है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, इस पर हमें क्लिक करना है, जो ये दिख रहा है ना बड़ा बड़ा सेकंड पे, इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, यानी कि आधार से पैन कैसे डाउनलोड करना है हमें वही सीखना है। तो इस पर अभी हम क्लिक कर देते हैं, और ये पेज ओपन हो गया आपके सामने। देखिए, गेट न्यू पैन चेक स्टेटस डाउनलोड पैन, यहाँ से जो गेट न्यू पैन का ऑप्शन है, ये उस चीज़ का ऑप्शन है जब हमें नए शुरू से प्रोसेस चालू करना है। हमें तो शुरू से ही करना है कि हमें पैन कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं आधार से। और इसके बाद जिस किसी को भी स्टेटस चेक करना है, जिसका पेंडिंग दिखाएगा, तो वो स्टेटस यहाँ से चेक कर सकता है। तो हमें गेट न्यू पैन पर क्लिक करना है, और ये पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, सारे डेट गोले गोले से ऊपर आ रहे हैं ना, जो ये एंटर आधार नंबर, वैलिडेट OTP, वैलिडेट आधार डिटेल्स, वैलिडेट ईमेल ID और गेट पैन, यानी कि ये सारे डिटेल हमें डालनी है। तो यहाँ पर ये हमें सबसे पहला जो बॉक्स है, इसके अंदर हमें डालना है प्लीज़ एंटर योर आधार नंबर फॉर पैन अलॉटमेंट के लिए। यानी कि उन्होंने ये बोला है कि आधार नंबर डालना है हमने पैन कार्ड के लिए, तो आधार नंबर यहाँ पर हमने डाल देना है, जो भी आपका आधार नंबर है, 27 72 35 और 77 42, और उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल देना है यहाँ पे, GHVQRE, ये डाल दिया। और यहाँ पे आई कन्फर्म दैट पे टिक कर देना है, और इसके बाद गेट जनरेट आधार OTP यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें ऊपर लिखा है द आधार नंबर यू हैव एंटर इज़ ऑलरेडी लिंक विद अनदर पैन कार्ड, यानी कि जो आपने आधार नंबर डाल रहा है वो पहले से ही किसी दूसरे पैन कार्ड से लिंक है। इसमें जिनका नहीं बना हुआ है पैन कार्ड, उनके लिए ये जो फैसिलिटी दी गई है, और इसमें 10 मिनट के अंदर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको सबसे ज़रूरी, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आप आधार नंबर डालेंगे और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP आपको उस ब्लैंक OTP बॉक्स में आपको डालना है, फिर वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने आधार की डिटेल, यानी आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपसे मांगेंगे वो डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डाल देगा, और नहीं तो नहीं डालेगा, ये क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके पास आपको गेट पैन, आपको पैन मिल जाएगा, आपका पैन कार्ड बना हुआ पूरी तरीके से। तो यही इसका प्रोसेस है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन दे दूँगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके काम आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली हर इम्पॉर्टेंट और ज़रूरतमंद वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे।
तो इसी के साथ गुड बाय, नमस्कार, बी अवेयर, बी हेल्दी।